सभी का स्वागत है सुरागिला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। प्रियंका अग्रवाल के साथ सैकड़ों महिलाओं ने लिया सीएम धामी के रोड शो में हिस्सा। नवचेतना भवन में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा हुआ एक बैठक का आयोजन। पुष्कर विष्ट को मिला जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व। पूर्व महिला प्रधान ने क्षेत्र में किया नशे का विरोध तो दबंग ने की उसकी व उसके पति की पिटाई। टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री हुई सील। नगर निगम टीम ने लगातार सार्वजनिक स्थल पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध की कार्यवाही। स्टेडियम में आज एथलीट राम सिंह को सभी कोच द्वारा किया गया सम्मानित। आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाया अभियान। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर निवासी एवं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल रुद्रपुर में आयोजित सीएम धामी के कार्यक्रम में पहुंची। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के दौरान उनके साथ काशीपुर की सैकड़ों महिलाएं भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंची, जहां उनके द्वारा क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनसे शिष्टाचार भेंट की गई, जिस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुकीजा भी मौजूद रहे। काशीपुर नवचेतना भवन में आज महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश अनुसार ऐलान किया गया कि आगामी 14 जनवरी को एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत मोहल्ला किला तिराहा से महाराणा प्रताप चौक तक समस्त वरिष्ठ एवं बूथ स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। जिस दौरान कार्यक्रम में बाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते, प्रभारी काशीपुर का सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। 2004-5 से कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि हमारे राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर माननीय राहुल गांधी जी की 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आरंभ हो रही है, जो मणिपुर से शुरू होकर महाराष्ट्र पर खत्म होगी। उसी के तहत हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में भी 14, 15, 16 तीन दिन तय हुए हैं। हम यहाँ भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कराएंगे। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड में बलात्कारों की संख्या बढ़ रही है, इस पूरे साल में करीब 800 समथिंग हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, 728 के लपेटे में अपहरण हुए हैं, बेरोजगारी यहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि वो अंकिता के पिताजी ने वीवीआईपी का और विधायक का नाम उजागर किया है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम सब लोकल मुद्दों के साथ साथ किले मोहल्ले से 14 तारीख को 11 बजे इस न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे, और जो महाराणा प्रताप चौक पर एक सभा में तब्दील होगी। हम लोग यही एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दूर हो, अंकिता भंडारी को न्याय मिले, अपहरण और हत्याओं का ये सिलसिला रुकना चाहिए, और यहाँ लोकल मुद्दे जिनकी उनको हमें कांग्रेस पार्टी ने, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस है, NSUI कांग्रेस है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, महिला कांग्रेस, सब लोग मिलकर एक बहुत भारी न्याय यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं। कुछ माना ही है कि कार्यकर्ता अपनी लगन के साथ पार्टी के कार्य में लगे, और हमारे लोकसभा चुनाव हमारे सब में उसको देखते हुए ये मीटिंग हुई है, और न्याय यात्रा को लेकर हुए राहुल गांधी जी की 14 तारीख से न्याय यात्रा निकलनी है, उस दिन को लेकर भी हम लोगों में आपस में चर्चा हुई है कैसे और कहां से न्याय यात्रा निकाली जाएगी। तो इसी को लेकर आज ये मीटिंग थी कि कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, और 2024 का जो चुनाव हमारा लोकसभा का आ रहा है उसमें कांग्रेस कैसे विजयश्री पहनाई जाए, इस पर चर्चा थी। और आज मैं पहली बार अपने कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने काम में लगे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है 2024 में जो है हम उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा पर जीत हासिल करेंगे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। देखिए, प्रभारी जी ने पार्टी की मजबूती के लिए हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारी प्रभारी नई बनी माननीय करण मेहरा जी ने हर विधानसभा के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया है। मैं स्वयं भी रामनगर की प्रभारी, हमारे काशीपुर के प्रभारी, पाजपुर के पालिका अध्यक्ष हैं, और साथ में यहाँ के प्रभारी बने। पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है या नहीं, वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है या नहीं, बूथ अध्यक्ष बना दिए गए हैं या नहीं, ये देखने के लिए मीटिंग करी गई, ताकि आगे की यात्रा जो न्याय यात्रा निकलने वाली है 14 तारीख से राहुल जी की, उसको हम किस तरह से अपनी विधानसभा में
उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, इस सिलसिले में ये मीटिंग की गई है ताकि आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उनको हम मजबूती से लड़ सकें, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उनको उनका हम सामना कर सकें, जो महंगाई बेरोजगारी और झूठ का बोलबाला है उसको दूर करके सत्यता को जनता तक पहुँचा सकें, इसी हमने आज मीटिंग का शुरू किया। धन्यवाद। आज हम लोगों ने यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के आह्वान पर अपने महानगर काशीपुर में 14 तारीख से हमारे माननीय राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निकालने के संबंध में आज हम सब लोग यहाँ बैठे थे। हम लोग जैसा कि मैं बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ किले से लेकर के और महाराणा प्रताप चौक तक यात्रा निकालने को, फिर हर ब्लॉक वाइज में हमारी 14, 15, 16, 17 तक यात्राएं निकलती रहेंगी और हम आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा विधानसभा यहाँ काशीपुर काशीपुर है इसके अंदर हमें तैयारी करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में हम लोकसभा में आने वाली अपनी सीट को जिता सकें। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगामी 14 जनवरी से मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र के बम्बई तक एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज ये संकल्प लिया है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नैतिक समर्थन के लिए काशीपुर विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक बाजार के अंदर इसको नैतिक समर्थन देने के लिए एक यात्रा का आयोजन करेंगे, जिससे मणिपुर की बहनों को न्याय मिल सके, देश के कमजोर दलित पिछड़ों वांछित लोगों जो न्याय के लिए आज गुहार लगा रहे हैं उनको न्याय मिले। हमें ये गर्व का विषय है कि हम गांधी और नेहरू की विचारधारा के लोग हैं, हम गांधी और शास्त्री की विचारधारा के लोग हैं। राहुल गांधी जी को नैतिक समर्थन देकर पूरे देश में हम गांधी नेहरू की विचारधारा प्यार और मोहब्बत का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर नगर निगम के पूर्व नामित पार्षद पुष्कर बिष्ट को भारतीय जनता पार्टी में काशीपुर जिले का जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। वहीं इस पर पुष्कर बिष्ट द्वारा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा को मार्गदर्शक बताते हुए उनका भी आभार व्यक्त किया गया। एक पूर्व महिला प्रधान ने अपने क्षेत्र में नशे का विरोध किया तो दबंग ने उसकी व उसके पति की पिटाई कर दी। वहीं महिला प्रधान की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दबंग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मुरादाबाद रोड स्थित टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। आपको बता दें पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी ने बताया कि टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में नियमों की अनदेखी की शिकायत लगातार मिल रही थी। इस पर नियंत्रण बोर्ड की टीम ने फैक्ट्री में छापामार जांच की, जिस दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में नियमों का उल्लंघन करते हुए मजदूरों से काम कराया जा रहा है। इसके बाद टीम ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। के साथ नरेश गोस्वामी ने कहा कि सभी उद्योग के प्रबंधकों को एसओपी का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में लगातार सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने, गंदगी करने एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी ने कड़ी कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने, गंदगी करने एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथिन व प्रतिष्ठान में डिस्पोजल का प्रयोग करने वालों के कब्जे से कुल 7 किलो 850 ग्राम प्रतिबंधित सामग्री जब्त की। साथ ही 19 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 11,700 रुपए का चालान भी वसूला। रामनगर रोड स्थित स्टेडियम में आज एथलीट राम सिंह को सभी कोचों द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें तमिलनाडु यूनिवर्सिटी चेन्नई में आयोजित एथलीट रेस में राम सिंह ने प्रतिभाग किया, जिस दौरान 1500 मीटर रेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही उत्तराखंड एथलीट सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी ने एथलीट राम सिंह को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। देखिए आज चारों दिशाओं में राम ही राम हो रहा है और खेलों की दुनिया में भी आज राम ही राम हो रहा है और इनके गुरु चंदन सिंह नेगी जी
रफीक कोच साहब और हमारे बीच में क्रिकेट की महान शख्सियत पाल भाई, हमारे बीच में एथलेटिक कोच ओम प्रकाश जी बिटिया और जनाब के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हम बैठे हैं। तो आज इन्हीं के दिशा निर्देशन में, इन कोचों के दिशा निर्देशन में ये बच्चे पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आपने नए आयाम, नए कीर्तिमान के साथ आपने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और हमारे प्रदेश का ही नहीं, हमारे शहर और हम सभी का आपने नाम रोशन किया। और मैं ऐसे महारथी, ऐसे द्रोणाचार्य नेगी सर के शिष्य रवि सर और उनके शिष्य राम, तो देखिए कहते हैं ना, दशरथ राम और ये तीनों के तीनों यहाँ विराजमान हैं, तो इन्होंने एक नया इतिहास रचा है। मुझे बहुत बहुत बधाई, मुझको आज मुख्य अतिथि बुलाया। और जब भी कोई खेल होते हैं और हमारे लाख जो भी होती है फेडरेशन के साथ जो भी सहयोग होता है और जो भी हमारे लाख होती है हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो साथ है वो सिर्फ जैसे एक माँ का एक बच्चों के साथ होता है उसी तरीके से कोचेज हमारा और ये खिलाड़ियों का साथ है। ये हमारी शुरुआत सबसे पहले तो हमारा इंटर कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के एम थे वो हुए हमारे बरेली में, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन है, वहाँ से ये खेला और 2 साल हो गए हैं इसको यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए। और अभी उत्तराखंड स्टेट में 2 बार खेला ये, वहाँ पर भी 800 मीटर और 1500 मीटर में दोनों में गोल्ड हासिल किया था इसने। उसके बाद जब स्टेट हो गया हमारा, उसके बाद नॉर्थ जोन जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी से पहले यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ जोन प्रतियोगिता रखी है, उसमें जब इन्होंने रेस में प्रतिभाग किया तो ये 5वें हो गए। फिर हम लोगों ने जब वीडियो देखी, सर को दिखाई, मैंने देखी और जितने भी मतलब खड़गवाल सर हो गए, नेगी सर हो गए, ओम प्रकाश सर हो गए और सबको मैंने वीडियो दिखाई, मैंने कहा सर बताओ क्या क्या कमी हुई इसके अंदर। फिर मैंने भी एनालाइज किया, फिर इसको फ़ोन किया, बताया कि आपने ये कमी की है और आप टेंशन मत लो, यहाँ 5वें हो गए लेकिन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आप 100% गोल्ड हो गए, ये मेरा विश्वास कहता है। तो इस बच्चे ने भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में ऐसी ही रेस लगाई और ये इसने गोल्ड हासिल किया और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो है चेन्नई में हुई थी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का, बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आबकारी आयुक्त उत्तराखंड देहरादून व जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री के अड्डों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिस दौरान टीम ने काशीपुर क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ी और खाईखेड़ा व रामपुरा नाले में चल रहे शराब निर्माण के अवैध अड्डों को नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान अवैध कच्ची शराब निर्माण कर रही 6 भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इसी के साथ 10,000 किलोग्राम लहन को भी नष्ट किया गया। अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात की गई है। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल से।